बैक टू अनदर एपिसोड सो यूट्यूब चैनल दिस इज टॉकिंग बाइक। आज की व्लॉग में आपको फिर से लेकर आया हूँ कार हैवन अशोक भैया न्यू दिल्ली में भी बैक में भी क्या दिखाने वाले फॉर्चुनर ठीक है भाई क्या करने वाले हो इस फॉर्चुनर के अंदर डिटेल में बताना। लेजेंडर में कन्वर्ट करेंगे मॉडल है 2013 2013 मॉडल है टाइप टू है ये ठीक है ये देख लो टाइप टू। अच्छा भैया ये बन जाएगी उस पे ऐसी बन जाएगी भाई लास्ट वीडियो जो हमने कन्वर्ट करी थी ना भैया अपनी टाइप थ्री हाँ कमेंट भी आया था कि ना आपने ना वो गाड़ी कन्वर्ट नहीं करी आपने कोई और दिखा दी है ऐसे भी लोग बोलते हैं। चलो एक और दिखा देते हैं। चलो यहाँ पे आप लोग दिखा रहे तो विम्बी भैया इसमें हम क्या क्या चेंजेस करने वाले फ्रंट लुक्स में क्या क्या जाएगा इसका यार वो वीडियो में बताएंगे आपको दिखाएंगे क्या होता है ठीक है। और अच्छा एक हिंट तो दे दो अगर लेजेंडर बना रहे हो तो इसके उसके ऊपर तो ये आ रहा है यार बोनट चेंज हो जाएगा बोनट पूरा चेंज जी फेंडर चेंज होंगे बम्पर ग्रिल फॉग लैंप सब कुछ हेडलैम्प मतलब फ्रंट का पूरा पार्ट गया ये सारा हटेगा इसके साइड मिरर्स भी चेंज होंगे ठीक की प्रोफाइलिंग भी चेंज होगी। अच्छा ये जो टायर ग्लाइडिंग बनी हुई है ये सारी हटेगी बिल्कुल हटेगी पीछे वाली भी हटेगी साइड वाली भी हटेगी अरे ये सारा हट जाएगा ये भी सही है साइड मिरर हो गया ये फेंडर हो गया रूफ रिल्स भी हटेगी भी एक मुझे एक बात पूछनी है आपसे लोग बोलते हैं कि आपने काम तो कर दिया पर इसकी बिल्ड क्वालिटी कहाँ चलेगी कौन सी मतलब लोग बोलते हैं कि बिल्ड क्वालिटी नहीं रह गई ये है मतलब कंपनी वाला ही कंपनी की पार्ट्स लगा रहे हैं घर पे थोड़ा बनाएंगे ये वही तो बात है यही तो बात बोलनी थी। तो ये सारे जितने भी चीजें इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे चाहे तो फेंडर हो चाहे बम्पर हो चाहे फेंडर हो ओरिजिनल टोयोटा के पार्ट्स होंगे तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो जो की तो है ना भैया ठीक है भैया। तो हो गया हमारा फ्रंट प्रोफाइल साइड प्रोफाइल भी आपने बताया कि फेंडर ग्लाइडिंग वगैरह सारी हम मोटराइज स्टेपर भी लगेंगे उस गाड़ी में लगे थे हमारे ठीक है। और एयर भी पूरा इसका बनेगा चेंज होगा लेजेंडर वाला बनेगा आओ पीछे आके समझाते हैं एक बार ये देखो ये अभी इसकी रेयर प्रोफाइल कुछ ऐसे नजर आती है ठीक है देख लो। और भैया इसकी रेयर भी पूरी चेंज होगी लेजेंडर बना देंगे लेजेंडर बन जाएगी पूरी ये देख लो कुछ ऐसे नजर आ रही है मतलब पीछे का डिग्गी गया शीशा टेल लैंप शीशा ही रहेगा लेकर लिखा हुआ है यही रहेगा ना चलो ठीक है। ये सारा पार्ट पीछे का पूरा चेंज है बम्पर पीछे का पूरा चेंज हो जाएगा ठीक है भैया। ये तो होगी हमारी एक्सटीरियर की बात इंटीरियर में क्या कर रहे हैं भैया हम इसमें इंटीरियर में सारा यार इंटीरियर कस्टमाइज कर रहे हैं इसका इंटीरियर कस्टमाइज होगा पूरा कलर ये है ना बेजिश कलर है डार्क बेज है हम इसमें लाइट बेज करेंगे ऊपर का पार्ट इसका ब्लैक कर देंगे हम सारा हाफ कार ब्लैक कर देंगे। अच्छा ऊपर की ब्लैक रहेगी लाइट सर चलो ठीक है तो ये अभी बिफोर लुक देख लो गाड़ी का भैया। म्यूजिक के अंदर भी कुछ हो रहा है इसके अंदर हेड यूनिट लगेगा स्पीकर लगेंगे एम्पलीफायर लगेगा हेड यूनिट भी चेंज होगा इसका मतलब कंपनी वाला हटेगा हमारा दूसरा लगेगा मतलब स्टार लाइट इंडियन लाइट मतलब पूरा ही काम है इसके अंदर सब कुछ सीटें सब कुछ कस्टमाइज होगी मतलब पुरानी गाड़ी लाओ और भैया से एमपी भैया से नई ले जाओ नई खरीदो मत भैया से आके बनवा लो है भैया। चलो मैं इसके दिखाया तो अपने व्यूअर्स को कि कितना जैसे ये ब्लैक में है इसको हम वुडन फिनिश में करेंगे इसको। अच्छा ठीक है ये एम्बिएंट लाइट कैसे लगी हुई है पहले लगी हटा देंगे इसको ठीक है ये पहले की है अपनी तो एकदम वैसी वाली लगेगी ठीक है। ये ऊपर का पोर्शन पूरा ब्लैक में रहेगा हाफ ब्लैक कर देंगे ठीक रूफ ब्लैक ठीक कारपेट ब्लैक कर देंगे कारपेट भी ब्लैक सही है कारपेट भी ब्लैक हो जाएगा ना देखते यार कस्टमर से भी कंफर्म नहीं हो अगर हुआ तो जरूर करेंगे ठीक है। बाकी डैम्पिंग वगैरह तो नॉर्मल है तो नहीं साउंड प्रूफिंग रूफ पे फ्लोर पे मतलब पूरा ही काम है तो भाई मेक श्योर वीडियो पूरी देखना मैं आपको दिखाता हूँ उसके सिनेमैटिक भी दिखाऊंगा बिफोर आफ्टर में गाड़ी कैसी नजर आती है बट विम्पी भैया काम आपको कैसे लगता है कमेंट जरूर किया करो अगर कुछ कमी लगती है तो वही बताया करो ना भैया जरूर बताओ यार नेक्स्ट टाइम उसको रेक्टिफाई करेंगे ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को
तो यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर बन गई पूरी तरह से कंप्लीट। विम भी भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया द्वारा आप बताओ क्या हाल है? बहुत बढ़िया। विम भी आपको कितना टाइम लग गया इसको रेडी करने में? अप्रॉक्स सवा महीना इसको रेडी करने में लग गया। मॉडल कौन सा था भैया हमारा? ये 2012 मतलब वही 11-12 का मॉडल टाइप 2 है। ये टाइप 2 गाड़ी थी हमारी। अब आप देख लो लेजेंडर में भैया ने पूरा कन्वर्ट कर दिया और आप देख के बता नहीं सकते हो कि ये जो है कन्वर्टेड है। ठीक है, अगर आपको लग रही है इस टाइम पे यहीं पाउस करके बता देना। ठीक है, यहाँ आपको देख के बिल्कुल पता नहीं चलेगा। वीडियो में जो है कार पूरी की पूरी कन्वर्टेड है। तो विम्पी भैया क्या क्या चेंजेस करे हैं गाड़ी के अंदर, डिटेल में बताना। फ्रंट लुक सारी चेंज करी है, फ्रंट लुक पूरी चेंज है। बोनट चेंज करा इसका। अच्छा, ये बोनट एक तो जितना हमारा OEM आता वही पूरा बोनट लगाया। ठीक है, उसके बाद लेजेंडर वाले लगे हैं। ठीक है, लेजेंडर पूरे ABS में। ठीक है, हेडलैम्प्स नहीं लगी है, फेंडर्स नहीं लगे हैं। अच्छा, हेडलैम्प्स भी आपने नहीं लगाई है, फेंडर भी, साइड फेंडर ये भी नया है पूरा। यहाँ पे पूरी की पूरी गाड़ी का फ्रंट लुक पूरा चेंज है। अच्छा, मैं भी एक बात बताऊँ, लोग ना कमेंट करते हैं कि भाई आपने सारी चीज़ें चेंज करा दी तो उसकी बिल्ड क्वालिटी कहाँ गई? यार अगर शोरूम से सेम आती है तो हम भी वही देंगे। ठीक है, तो मतलब ये पूरा OEM वाला। हाँ, क्वालिटी आते हैं हम भी वही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भाई वही चीज़ है जो आपको लेजेंडर के अंदर मिलती है, भैया ने वही चीज़ यहाँ पे लगाई है। तो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी एज इट इज़ सेम ही है हमारी। ठीक है, फर्क नहीं है। मैं भाई फ्रंट तो हम बहुत पहले से चेंज कर रहे हैं, हमने इसका रियर भी चेंज किया पूरा। रियर भी चेंज करा है, इसमें कैप्टन सीट्स भी लगाई हैं। ठीक ठीक ठीक, ये ऑडियो बैलेंस करा है, इंटीरियर भी करा, साइड में मोटराइज्ड स्टेपर भी लगा। मतलब ये कह सकते हो कि ये कंप्लीट कर दी पूरी गाड़ी। पूरी गाड़ी करी है, पूरी गाड़ी कंप्लीट करी है। आपको किसी गाड़ी में दिखाया था जब हम इसके रूफ रेल्स लगाई है, देखो रूफ रेल्स दिखा रहे हैं भैया। साइड प्रोफाइल पे पहले रूफ रेल्स न्यू शेप वाली की लगाई है, ये देख लो लेजेंडर लेजेंडर में आ रही है जो। ठीक, वही आपने लगा डाली यहाँ पे। और ये व्हील आर्स भी वो भी आपने, अच्छा इसके लिए तो पूरा काफी मेहनत काफी लगती होगी, पूरा टाइम लगा है। ठीक है, साइड प्रोफाइल पे देख रहा हूँ यहाँ मोटा स्टेपर भी आपने लगा रखे है। ये देखो बाहर निकले, एक बार बंद करना भैया, गए ऊपर। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, जबरदस्त। और इसके अलावा भी और क्या है काम किया हमने? पूरी ऊपर से डुअल टोन बना दी जैसे लेजेंडर पे आती ही है। ठीक है, मैं एक बात बताओ, ये पीछे का जो टायर ग्लाइडिंग देख पा रहा हूँ ये भी हमारी। अच्छा, इसके अंदर तो पूरा काफी मोटा वाला सौदा आता था, वो सारा हटा दिया। चलो रियर प्रोफाइल भी दिखाओ भैया, आपने इतनी मेहनत जब कर रखी है गाड़ी के अंदर कि पता ही नहीं चल रही भाई कि ये कौन सा जो है मॉडल। ये देख लो, ये पूरी रियर प्रोफाइल है अपनी गाड़ी की यहाँ पे। ठीक है, डिटेल में देख लो, लाइट जला के दिखाएंगे भैया। ये लो, ऑन हो गई। ठीक है, अमेजिंग, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। ये हो गया हमारा फॉर्च्यूनर ग्लो। तो विम्पी भैया रेयर प्रोफाइल पे क्या क्या कितनी दिक्कतें आई, क्या क्या किया सारा बताओ। दिक्कत कोई नहीं यार, टाइम लगा, टाइम लगा बस थोड़ा। स्पॉइलर भी चेंज कराना, न्यू शेप का स्पॉइलर लगा, ये न्यू शेप का स्पॉइलर है इसके अंदर इंस्टॉल किया भैया ने। ठीक है भैया, और टेल लैंप्स पूरी टेल लैंप्स लेजेंडर वाली है पूरी, देख लो भाइयों पूरी शेप में है पूरी प्रॉपर। कुछ भी 19-20 आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये भी आपने अलग से दिया इसके अंदर कस्टमाइज कराया हमने। ठीक, और पीछे ऐसे रेयर का बंपर ही पूरा लेजेंडर वाला, ये देख लो पूरा लेजेंडर। रिफ्लेक्टर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं, मतलब गाड़ी आप एक नज़र पे देख के कोई गाड़ी का पता ही नहीं चल रहा कि ये दो इसलिए सही में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा यहाँ पे गाड़ी को देख के कि 1% का भी कि ये गाड़ी जो है पहले कुछ और थी, अब भैया ने कुछ और कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा भैया पूरा एक्सटीरियर, इंटीरियर में भी पूरा काम किया ना हमने। चलो आप गाड़ी के अंदर चले, चलो यहाँ मैं आप लोगों को गाड़ी की इंटीरियर पर लेके जा रहा हूँ। मेरे लिए स्टेपर खुल गए, ठीक है, ये मैंने पैर रख के अंदर गाड़ी के इंटीरियर पे स्विच आ गया। तो यहाँ हमने गाड़ी की इंटीरियर पे स्विच कर लिया। विम्पी भैया गाड़ी के अंदर क्या है काम किया आपने, मतलब पूरा इंटीरियर तो इनहांस हो रखा है पता चल रहा है साफ साफ, इनहांस करा हमने। ठीक ठीक ठीक, पहले बीच डार्क टोन में ही जाता था। ठीक 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 ठीक, उसको हमने ब्लैक एंड लाइट बीच में कॉम्बिनेशन में बनाया है। ठीक, अच्छा भैया जैसे हम फ्रंट से बात कर लेते हैं, ये वाला पार्ट पूरा ब्लैक में था पहले भी या ग्रे डार्कर ग्रे में आता है? अच्छा, ये ग्रे में था, ये पूरा आपने ब्लैक किया है। ये पिलर्स हो गए हमारे सारे पिलर्स हमारे ब्लैक हुए हैं, रूफ ब्लैक करी है कर दिया। ठीक है, ये पूरा पियानो ब्लैक में क्या है फ्रंट पार्ट? हाँ जी, पियानो ब्लैक है, स्टीरियो लगाया हमने एंड्रॉइड स्टीरियो भी इंस्टॉल किया है। ठीक है, स्टीयरिंग की बात करूंगा, स्टीयरिंग भी आपने पियानो में किया? स्टीयरिंग पियानो में कराया इसको, और उसके बाद लेदर से स्ट्रेच इसको यहाँ बटन फिनिश दी हमने इसमें। अभी ये पूरा कस्टमाइज किया गया है, ये पूरा लेदर हमने चढ़ाया है।
लेदर कोटिंग से पता ही नहीं चलता कि गाड़ी का कलर एक्चुअल में कौन सा था। पता है अच्छा, ये तो होगी हमारी इंटीरियर की बात। सीट्स देखो, सीट्स आपकी बहुत कस्टमाइज बढ़िया लग रही है यहाँ पे। ये भी अगेन थोड़ा डिफरेंट डिजाइन देख पा रहा हूँ मैं। ऊपर ऊपर थोड़ा उसमें है, नीचे थोड़ा अलग है। मतलब पीछे की देख लो भाई, डिजाइन हमेशा चेंज होते रहते हैं भैया। कोशिश तो रहती है नए से नए, नए से नए। ठीक है, ऊपर स्टार लाइट भी लगाई है पूरी। हाँ जी, स्टार लाइट बहुत अमेजिंग लग रही है। रूफ ब्लैक करी होगी भैया इसके लिए आपने? ब्लैक करी उसके लिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई कोई ना रूफ ब्लैक करते ही नहीं स्टार लाइट लगवाते, तो मजा आता है? मजा नहीं आता, मजा नहीं आता ना। सेम आपको लुक्स आ रही है वो नहीं आती। जो यहाँ पे लुक आपको मिलेगी ना वो ब्लैक के अंदर ही मिलेगी, चाहे कोई सा भी कलर कर लो स्टार लाइट का ना भैया। ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताओ, डोर पैनल में देख पा रहा हूँ इसके अंदर भी आपने काफी कुछ किया हुआ है। हाँ जी, डोर पैनल चेंज करे हैं। ये पूरा यहाँ पे लेदर से फैब्रिक लेदर से रैप किया हुआ है। यहाँ पे वुडन अगेन, ये वुडन चेंज करा हमने। ये हमने इसका कलर एक्सचेंज किया है। मतलब गेट ही गेट पे भी काफी अच्छा काम किया हुआ है। और एम्बियंस लाइट तो भाई देख लो आपके सामने ही है, इतनी लाइट जल रही है उसके बाद भी नजर आ रही है। रेयर में सेंटर पार्ट सीट्स में इसमें हमने कैप्टन सीट्स लगाई हैं। इसमें कैप्टन सीट्स, अच्छा ये दोनों सेपरेट कर दी बेसिकली। मतलब कैप्टन सीट वही होती है जो दोनों सीटें सेपरेट होती है बेसिकली, है ना? तो पहले ये पूरी सिंगल थी, ये सिंगल थी जी। अब भैया ने इसको सेपरेट सीट, मतलब सीटें अलग अलग लगाई है आपने इसके अंदर प्रॉपर। यार गाड़ी का इंटीरियर ले लो चाहे एक्सटीरियर ले लो, आपने पूरा ही काया प्लेट कर दिया गाड़ी की, कस्टमर की चॉइस हमने कर दिया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक डेढ़ महीना मतलब मान के चले हम इसमें लगता ही लगता है, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ बोलना चाहते हो जिनके पुरानी गाड़ी है, टाइप टू टाइप वन गाड़ी है, उन लोगों को आप क्या बोलोगे? यार वीडियो देख के जिसको पसंद है शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और हमारे कमेंट डालेंगे हम और क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है तो हम सही बात को फुलफिल कर पाए। सही बात है, ये मैंने बिल्कुल सही बोला कि अब आपके सामने गाड़ी हमारी है, अब आप हम लोगों को जो है कमेंट करके बताओ कि गाड़ी के अंदर आप लोगों को क्या कमी लगती है ना भैया, और कुछ इससे आपको एनहांसमेंट चाहिए तो हम वो करके दें, वो करके दें। उससे क्या होगा कि हमको भी पता लगेगा कि क्या कमी है, क्या क्या चीज़ें और हो सकती है और कुछ इम्प्रूव क्या कर सकते हैं। सही बात है, और आप लोगों का टेस्ट भी पता लगता रहेगा कि हाँ भाई हमारी ऑडियंस हमसे ये चीज़ मांग रही है तो हमें उसके ऊपर काम करना है। हाँ। ऑल्दो गाड़ी बहुत अच्छी भैया ने रेडी कर दी है, कमेंट जरूर करना अगर आप देख रहे हो तो, प्लीज कमेंट किया करो, हमको भी अच्छा लगता है, भैया को भी अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलती है कि मतलब हाँ हमने आपने वो दिखाई दिया शायद एम्पलीफायर जो हमने लगा। हाँ एम्पलीफायर ने, अच्छा ऑडियो तो हम भूल ही गए दिखाना। अच्छा ऑडियो में हमने क्या काम किया भैया? स्पीकर्स हमने इसमें JBL के लगाए हैं जो टॉप मॉडल लेजेंडर में आते हैं। ठीक 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 ठीक, जो 4x4 आ रही है वो स्पीकर्स लगाए हैं। ठीक ठीक ठीक, और एम्पलीफायर हमने पाइनियर का लगाया है, पाइनियर का एम्पलीफायर, और एंड्रॉइड हमने सिर्फ ड्रिवन का लगाया है। ठीक है, तो मतलब ऑडियो भी एक तरह से मतलब क्या कह सकते हैं कि ठीक है, अपग्रेड करा यार, अपग्रेड करा है, मतलब पहले से तो अपग्रेड किया है लेकिन उससे भी अच्छा बन सकता है यार। वो तो कोई ऐड ऑन तो आप जो मर्जी करा सकते हो, अपनी चॉइस है, कस्टमर की चॉइस थी कि मेरे को देख लिया। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को इंटीरियर कैसा है। ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। बहुत मेहनत लगी है भैया की, पूरी टीम की बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की गाड़ी को जो है रेडी करने में। ठीक है, आई होप अगर आपको अच्छा लगा प्लीज कमेंट जरूर करना, और ये इतनी गर्मी में बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मजा आया हो देखने में, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।